नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना हिमांशु ठाकुर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूटी न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, दरअसल हमारे अपने शहर काशीपुर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर, जिसके बारे में जानकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल ये खबर कुछ इस प्रकार की है कि काशीपुर के एक बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही प्रख्यात, बहुत ही जाने माने औद्योगिक घराने पर, एक बड़े उद्योग पर काशीपुर शहर के ही रहने वाले एक गरीब किसान परिवार ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं अपनी जमीन जबरन कब्जा किए जाने के। जी हाँ दोस्तों, काशीपुर की प्रख्यात नैनी पेपर मिल है जिसका नाम आप सभी ने सुना होगा। नैनी पेपर मिल के मालिकों पर, नैनी पेपर मिल के मैनेजमेंट पर आरोप लगाया है काशीपुर के ही रहने वाले एक किसान परिवार ने कि उन्होंने हमारी कई बीघा जमीन जो है कुछ साजिशें करके, कुछ गेम खेलकर और कुछ उल्टे सीधे कृत्य करके कब्जा कर ली है और अब हमारी जमीन का जो उचित मूल्य है वो हमें देने से इनकार कर दिया है। वाकई ये खबर डराती भी है और सोचने पर मजबूर भी करती है कि आखिर काशीपुर के एक प्रख्यात औद्योगिक घराने पर इतने बड़े आरोप क्यों लग रहे हैं। जो आरोप लगाने वाला है व्यक्ति, वो मेरे साथ मौजूद है। आइए इनसे ही पूछेंगे कि आखिर ऐसे आरोप इन्होंने काशीपुर के प्रख्यात औद्योगिक घराने पर क्यों लगाए हैं। क्या आरोप लगा रहे हैं आप नैनी पेपर मिल काशीपुर के मैनेजमेंट पर कि भाई उन्होंने आपकी जमीन जो है कब्जा ली है जबरन? जी जी, जबरन कब्जा ली सर। क्या आरोप? सर मामला ये है कि हमारा जो सौदा हुआ था 40 लाख रुपए एकड़ में हुआ था साहब। 40 लाख रुपए एकड़ के बीच में फिर उन्होंने सौदा कर लिया था। 12,30,000 रुपए उन्होंने चेक द्वारा दिए हैं हमारे पिताजी को। हमारे पिताजी करीबन इनके पास 1-1.5 साल से आते रहे हैं, इन्होंने पेमेंट नहीं दी हमारी। उस बीच में इन्होंने कहा कि भी दे देंगे, फिर इन्होंने 1,30,000 रुपए दिए घर के, 12,30,000 रुपए दिए हैं इन्होंने जमीन के। बल्कि सौदा जो हुआ था हमारा वो 40 लाख रुपए एकड़ का हुआ था। जी। इन्होंने 12,30,000 रुपए बोधी, यानी कि 13,60,000 रुपए टोटल बना हमारा, ठीक है। बाकी का इनका इन पे पैसे हैं हमारे अभी। और जब हम यहाँ पे आते हैं तो बदमाशी दिखाते हैं, गुंडागर्दी दिखाते हैं, गार्डों को लाके बदतमीजी करते हैं। हम गरीब आदमी, वो उद्योगपति है। फिर बाद में इस बीच की जो घटना है मैंने अपने चौकी पे दी, चोरे चौकी इंचार्ज साहब को भी सौंपी है, ठीक है, और कुंडे थाने में भी दी है, और कुंडे थाने के बाद में मैंने एसडीएम साहब को भी दिए, सबकी रिसीविंग मेरे पास। फिर मैं एसएसपी साहब ऑफिस भी गया था और डीएम ऑफिस भी गया था, पर मेरी किसी भी तरीके से कोई मदद नहीं हुई, ना कार्रवाई हुई किसी भी प्रकार की और ना इसके ऊपर किसी प्रकार का मुकदमा हुआ। साहब, या तो मेरी जमीन दिलवा दी जाए या मेरे को जो मेरा बकाया, जो मेरे पिताजी का जो रह गया है या जो मेरे परिवार का जितना भी है पेमेंट वो दे दीजिए। अच्छा, चलिए पहले एक मिनट जरा साइड हट जाइएगा। साथियों, सामने की ओर जो जमीन आपको दिख रही है, बाउंड्री आपको नजर आ रही होगी सामने, और बाउंड्री के पीछे जो है बहुत सारी लकड़ियां रखी हुई हैं। पूरा जो सामने का बाउंड्री का एरिया जो आपको दिख रहा है, जित सारी की सारी जमीन इन महोदय की है, ये इनका दावा है और इनका कहना है कि सबके जितने भी लीगल प्रूफ होते हैं वो सारे मेरे पास हैं, अगर आपको जरूरत है तो आकर देख लीजिए। और ये सारी जमीन इनका कहना है कि नैनी पेपर मिल वालों ने जबरदस्ती हमसे कब्जा कर ली है और अब हमारी इस जमीन का जो उचित मूल्य है वो भी हमें देने से इनकार कर दिया। एक बार फिर जरा इस पूरे मामले पे ना जरा ढंग से पूरी कहानी बताओ कि आखिर आपका सौदा हुआ कैसे, कब की ये बात है, किस तरीके की पूरी घटना है, ताकि सबको समझ आ सके। सर, सौदा जो हुआ था वो एक शमशाद हुसैन है यहाँ की, और जो भी हो मुझे तो पता नहीं किस पोस्ट पे है नैनी पेपर मिल के अंदर। उन्होंने सौदा किया था, एक संतोष जी है। वो आए थे हमारे पिताजी के बीच में, ठीक है, उन्होंने सौदा किया। जरिया जो बना था वो मामला ये था, जो हमारे ताऊ हैं हमारे पिताजी से बड़े, उनका एक इशू बन गया था उनके बेटे का, उनको बंद कराया। बंद कराने के बाद में जब उन्होंने कहा कि भी मेरी जमानत करा दो या जो भी मामला फैसले की जो बात कही, उन्होंने कहा कि भी फैसला तब दूंगा, तब जब तू मुझे जमीन दे देगा। अच्छा, अब ये जो जमीन थी ये हमारे पापा के जो जितने भी भाई थे सब एक ही पट्टा था। अब उन्होंने जब जमीन बेच दी, घर के बराबर में सारे रहते थे, राख वाग वगैरह कचरा उचरा फैक्ट्री का होता ही है, इस चक्कर में हमारे परिवार ने सलाह करके सारी जमीन बेच दी। अब बेचने के बाद में 40 लाख रुपए में सौदा हुआ था। 40 लाख रुपए सौदे के बाद में 12-12, 33 लाख रुपए ने सब दिए हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं दिए, और चेक द्वारा दिए हैं, एग्रीमेंट में खुला हुआ भी है बाकायदा, और 1,60,000 रुपए हमें इसने घर के दिए थे और वो दिए थे कैश द्वारा फैक्ट्री के अंदर, ठीक है जी। फैक्ट्री के अंदर देने के बाद में फिर उन्होंने हमसे कहा था कि चलो ठीक है, तुम एक काम करो, पेमेंट ये निकालो अपनी जो भी
चेक दोबारा दी है, निकालने के बाद में अपना जो भी पेमेंट है तुम्हारा वो दे देंगे, तुम अपना घर बनाओ अपने अपने अलग अलग, जैसा भी मामला बिल्कुल जो तुम्हारी मर्जी है। फिर बाद में हम जो है वहाँ चले गए, अपना अपना घर बनाने लगे। जाने के बाद एक दो महीने बाद हम चक्कर मारने लगे इनके पास में, वो कह रहे कि भाई ऐसा है कि पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, अभी ये पेंडिंग है, अभी वो पेंडिंग है, अभी माल नहीं बिका, अभी ये नहीं बिका। मैं कह चलो कोई बात नहीं। पिताजी हमारे सीधे स्वभाव सज्जन के थे, कि इतने पढ़े लिखे तो थे नहीं वो। एग्रीमेंट जो था वो इन्होंने करवा लिया, जमीन का पूरी जो भी था मामला, ठीक है। अब करवाने के बाद में एग्रीमेंट के अंदर कब्जा भी नहीं लिखा, और इन्होंने बल्कि कब्जा भी कर लिया, हमारे सामने सब कुछ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। बाउंड्री भी कर ली, लकड़ी भी रखी है, अगर यहाँ पे हम गए हैं, वो मेरे पास वीडियो भी है, इतनी बदतमीजी हुई हमारा, गाली गलौज, गनर बुला के बदमाशियां, और कहीं भी निकलते बढ़ते तुझे मार देंगे, मेरी जान मान को भी खतरा है। ये भी मैंने करीबन अपने एडिशन साहब को भी देखाया था, मैं 2-3 दिन पहले अपनी तहरीर, उसकी भी रिसीविंग मेरे पास है, और सीओ साहब को भी देखाया था मैं। तो अब कुल मिला के आपका ये कहना है कि भाई इन्होंने आपकी जमीन पे कब्जा कर लिया है, जबकि कागजों में कब्जा आपके द्वारा नहीं दिया गया, नहीं, नहीं, और उसके बावजूद आपको जो पैसा मिलना था उसमें केवल आपको कुछ ही पैसा मिला है। कुल मिलाकर कितना पैसा बकाया रह जा रहा है अभी? जी 40 लाख रुपए में से तो करीबन आप हिसाब लगा लीजिए, अगर 12,30,000 में से माइनस करके जो बचेगा वो मुझे दे दीजिए बस। तो कुल मिलाकर अब तक आपको केवल इन्होंने 40 लाख में से नैनी पेपर मिल वालों ने 12 लाख कुछ हजार रुपए दिए हैं। उसके बाद 1 रुपया नहीं दिया गया, 1,30,000 रुपए इन्होंने कैश दिए थे घर के, ठीक है, घर तोड़ने और उसके बाद नहीं, नहीं और बाकी नहीं, उसके बाद 1,54 आपको नहीं दी गई। और अब आप गए हैं इनसे कभी बातचीत करने, कन्विंस करने? बातचीत करने गए थे तो कम से कम फैक्ट्री से 2 किलोमीटर दूर बुला करके कहते हैं कि भाई यहाँ पे पेमेंट वेमेंट नहीं है, अगर आओगे तो मैं बंद करा दूंगा किसी भी मामले में, या तो आग लगाने में, चोरी के मामले में, किसी भी मामले में तुम्हें बंद करा दूंगा, और जमानत तुम्हारे ये लगा लो कि दाढ़ी तुम्हारी सफेद हो जाएगी, जेल में जमानत नहीं हो सकती। ऐसी धमकी इनके द्वारा आपको दी गई है? जी जी। किन्होंने ये धमकी दी, नाम बता सकते हैं? शमशाद जी हैं, संतोष जी हैं, संजय जी हैं, और इनके वर्तमान में जो जीएम है सुधीर पांडे जी, वो चौकी पे अपनी दबंगी दिखा रहे थे, हमारी तो कोई सुनता नहीं, हम तो उद्योगपति के सामने गरीब आदमी क्या कह सकते हैं साहब। तो कुल मिलाकर आपका ये कहना है कि एडिशनल के पास भी आप गए अपनी फरियाद लेकर, एसडीएम के पास भी आप गए अपनी फरियाद लेकर, काशीपुर की सूर्या चौकी के पास भी आप गए जी 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 की फरियाद लेकर के, क्या उधर से क्या प्रतिक्रिया मिली शासन प्रशासन से? वही फिर करेगा, कुछ नहीं, कुछ तो बोला होगा उन्होंने, हाँ आज करेंगे, बस एक आश्वासन होता है कि कोई नहीं, आपका जो भी है मामला इसे निपटा देंगे, होगा बैठ करके बात कर लेना या जो भी है। पर आज तक मुझे मेरे पिताजी को खत्म हुए 14 महीने हो गए, अटैक से खत्म हो गए इसी टेंशन के चक्कर में, 14 महीने के बीच में भागते भागते 14 महीने हो गए। आज मैं हार में आके जब कहीं से मेरा कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला मुझे, तब मैंने, आपने जब उनके पास कम्प्रोमाइज की डिमांड रखी तो उनके द्वारा क्या आपको कुछ प्रलोभन दिया गया, कुछ क्या बोला गया कि कैसे कम्प्रोमाइज करेंगे? इन्होंने ये कहा था कि भाई 1 लाख रुपए हम तुम्हें दे सकते हैं, पहले 1 लाख रुपए नहीं कहा था, पहले कहा था 6,500 रुपए शमशाद जी ने, ठीक है, फिर बाद में कहा था 1 लाख रुपए दे देंगे, मामला निपटा रहे और निपटा ले, नहीं तो कोई बात नहीं, तरीके हमारे पास बहुत है तुझे समझाने की भी उठाने की भी। साहब मैं गरीब आदमी हूँ और मेरे पिताजी नहीं है, एक मेरा बड़ा भाई है मेरे से और मेरी माता जी है और मेरी एक घरवाली है, 2 बच्चे हैं मेरे, मैं इतने बड़े उद्योगपति आदमी से नहीं लड़ सकता साहब। पूछना चाहूंगा कि भाई जब भी कुछ जमीनी विवाद होता है ना तो ये बात बड़ा मुंह खोल के कह दी जाती है किसी भी पक्ष के द्वारा कि भाई ऐसे ही दावा कर रहे हो, ऐसे ही दावा कर ही जान दे, कोई प्रूफ है आपके पास कि आपकी जमीन थी, आपकी जमीन है और किस तरीके से क्या सौदा हुआ, क्या कुछ मैटर हुआ है? देखो जी मेरा खतौनी में मेरे पिताजी का जो खाता था उसमें मेरा और मेरे भाई का और मेरी माता जी का नाम दर्ज है और मेरे जितने भी पूरे परिवार के ताऊ चचा हैं सबके नाम इसमें दर्ज है। ये बरखे की जमीन है और 25 बीघा बरखे काकी है। जो जमीन इन्होंने अभी कब्जा रखी है, इन्होंने पेमेंट दी नहीं, अगर ये जमीन इनके नाम आ जाती लीगल तरीके से कागजी कार्रवाई में अगर बिक जाती, ये बेईमानी नहीं करते तो ये यहाँ पे मशीन लगाते, लकड़ी नहीं रखते, जितनी इन्होंने बेईमानी और दबंगी दिखाई है। बाकी साहब मैं तो दरखास्त यही करता हूँ कि मेरी या तो जमीन दिलवा दीजिए या फिर मेरे जो बकाया पेमेंट है वो दिलवा दीजिए। तो कुल मिलाकर सारे जो लीगल कागज हैं जो आपको आपके पक्ष में रखते हैं और आपको बचाव में रखते हैं वो सारे आपके पास मौजूद हैं? जी जी, मेरे पास खसरा भी है, खतौनी भी है। और जो चेक के द्वारा आपको 12 लाख कुछ रुपए की पेमेंट की गई थी उसकी भी आपके पास कुछ प्रूफ जी, है? जी जी, वो तो पूरे एग्रीमेंट में खुला हुआ है सर, एग्रीमेंट में सब कुछ खुला हुआ जी, है। 12,30,000 सब खुले। नाम क्या है आपका? मेरा जगतार सिंह नाम है और एग्रीमेंट में ये भी खुला है कि परी कपल ने अभी कब्जा नहीं दिया है और इन्होंने कब्जा भी कर लिया है। जगतार सिंह का ये कहना है भाई कि नैनी पेपर मिल के मैनेजमेंट ने हमारी कई एकड़ जमीन पर जो है हमारी परमिशन के बगैर कब्जा कर लिया है और जो हमारी जमीन का अमाउंट था वो भी हमें अभी नहीं दिया है। अब इनके आरोपों में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है, क्या कुछ असल बात है, क्या मुद्दे की बात है, क्या इनके पूरे विवाद का निष्कर्ष निकलेगा,
ये मैं नहीं बताऊंगा, ये बताएगा काशीपुर का शासन और प्रशासन, क्योंकि भाई मामला हाई प्रोफाइल है। और ऐसे में कहीं ना कहीं अगर इस मामले में जो भी निष्कर्ष निकल करके आता है तो जिस भी पक्ष की छवि धूमिल हो रही होगी उनके लिए ये मामला और ज्यादा हाई प्रोफाइल हो ही जाएगा। हालांकि इन्होंने ये कहा है कि भाई मेरे पास सारे प्रूफ हैं, कहीं से कहीं तक मैं फंसने वाला नहीं। यहाँ पे इसलिए खड़े हैं, अगर हम वहाँ जाएंगे तो गनर आ जाएंगे इनके, और बदतमीजी दिखाएंगे, पुलिस में इनकी चलती है सब। अब ये उद्योगपति हैं, ये तो कुछ भी कर सकते हैं साहब। अगर हम वहाँ जाएंगे तो ये बदतमीजी करेंगे, इसलिए करीबन 100 मीटर दूर खड़े होके यहाँ पे मैं आपको सारी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो बता रहा हूँ जी। तो साथियों आपने सुना, कहीं ना कहीं इनका ये कहना है कि मुझे मेरी जमीन के करीब जाने से भी अब डर है। अब भैया इसके मामले की जो है पूरी असल सच्चाई क्या है, क्या इनके विवाद की असल जड़ है, क्या इनके विवाद का असल निष्कर्ष होगा, मेरे ये तलाशें करनी होंगी काशीपुर के शासन और प्रशासन को, तमाम संबंधित अधिकारियों से। मैं केवल इतनी गुजारिश करूंगा कि इस मामले पर संज्ञान लीजिए और जो भी असल सच्चाई है जन जन के सामने लाने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।